स्पेशल ब्रांच वाले हम जहाँ भी जाते हैं हमसे पहले ही पहुँच जाते हैं। हेलो सर, मैं हूँ अमर गौड़ा, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। आई एम जय मालिनी, स्पेशल ब्रांच। बहुत प्यारा नाम है। रघु, यहाँ पे रॉबरी हो रही है, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, चलो उधर देख। सब जानता हूँ, तुम हो लोकल पुलिस और हम लोग स्पेशल ब्रांच, बकवास मत करो और ड्यूटी करो। तू इनकी बात क्या सुन रहा है, उधर ध्यान दे। बोल रहा हूँ ना, हट जाओ यहाँ से, समझती नहीं है क्या? तुम लोग मेरी बात सुनो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। अबे एक दिन का बस, उनसे बोलेगा कुछ नहीं करेंगे तो आ जाएंगे क्या, और जाओ बोलने से चले जाएंगे क्या? माइक मुझे दे। जय मालिनी, अब देखो उन्हें कैसे बाहर निकालता हूँ। ज्यादा बोल मत करके दिखा। इज्जत से बाहर आ जाओ, वरना एक एक को कुत्ते के जैसा मारकर भगा दिया जाएगा। अरे बाप रे, माइक हाथ में थी इसलिए बच गया, वरना गोली मेरे मुंह पे ही लग जाती। तुम्हारा चेहरा एक मॉडर्न आर्ट बन जाता। बोल बचन मत दो, हिम्मत है तो जरा अंदर जाके दिखाओ। हमेशा स्पेशल ब्रांच आगे रहता है ना? और नहीं तो क्या? गो। मतलब अंदर जाकर अटैक करो। वाह, बलि के लिए मैं ही मिला क्या? युगो यार, युगो युगो युगो। हाँ यार, नाश्ता किए बिना आया हूँ मैं। युगो वो क्या मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझे छोड़ देंगे? जान मुझे भी प्यारी है, बॉस आ रहे हैं, वेट करो। एक गन नीचे कर, गाड़ी में आ जा, दीवार से चिपक। क्या? इधर ला, चल। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या करती हो? जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। क्या? कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए। आप पुलिस ऑफिसर हैं क्या? बाची, बाची स्पेशल ब्रांच। इतने बहादुर हैं तो मुझसे आकर क्यों छुपते हैं? अब तुम क्या चाहती हो? लोगों की जान बचाइए ना। इस वक्त आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपका फर्ज बनता है, प्लीज कुछ कीजिए ना। मुझे कुछ करने में शर्म आ रही है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ? आपका कहने का मतलब क्या है? वही जो तुम मुझसे कह रही हो। मेरा मतलब उन लोगों का कुछ कीजिए प्लीज। ओ, अच्छा, अब मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। अब तुम चुपचाप वो करो जो मैं कहता हूँ, साइड में चलो, किसी को पता ना चले। गन पकड़ने की तमीज नहीं, निशाना परफेक्ट नहीं, हमेशा तुम जैसे ही लोग मेरे सामने क्यों आते हैं? तू कौन है बे? मारेगा मुझे? मारेगा? मार, मार! शहर में रॉबरी हुई थी? यस सर। शहर में और कहां कहां लफड़ा होता है इस बात की खबर है?
जहाँ लफड़ा होता वहाँ बिन बुलाए पहुंच जाते हो, डिपार्टमेंट की नाक कटवा देते हो। पुलिस अपना काम करना चाहती वो करने नहीं देते हो। जब इंक्वायरी बैठती है तो रोल गोल्ड निकलते हो। आज तक कुछ ऐसा किया कि तुम्हें मेडल मिल सके? पब्लिक इस वक्त बहुत समझदार हो चुकी है, कोई भी गोल्ड नहीं पहनता। बट कहां पर खून बहाना और क्या करना है ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? सर, तुम्हारी बेवकूफी से जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में तुमने तोड़फोड़ की वहां 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, पूरे 2 लाख, समझे? इस बारे में तुम क्या सफाई दोगे? डिपार्टमेंट को इस बात का जवाब चाहिए। जवाब ये देगा। सॉरी सर। कितनी बार कहा है कि कभी तैश में मत आया करो, इससे तुम बेकाबू घोड़े बन जाते हो। खुद को कंट्रोल किया करो। सर, हेलो। हेलो, बाची है क्या वहाँ? हाँ, बाची, बाची, बाची स्पेशल ब्रांच। 3 बाची है क्या? ए, आप कौन बोल रही हैं? आप भूल गए क्या, कल दोपहर को डिपार्टमेंटल स्टोर में गुंडों के साथ? ओ, तो तुम बोल बच्चन लक्ष्मी हो। मुझे फिल्म देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। कृष्णा में मैंने लास्ट फिल्म देखी थी, उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं देखी। आपकी फाइट बहुत अच्छी थी। क्यों, प्यार का चक्कर है क्या? नाना, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बाप रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं देखा, एक बार फिर से मिलो। पर किस लिए? क्या और कुछ नहीं, तुम्हें जी भर देखने को मन कर रहा है। जी भर कर देखना है का मतलब तुम शादीशुदा नहीं हो? नहीं। तो मतलब तुम्हारे बच्चे भी नहीं होंगे? मेरी बात छोड़ो, तुम्हें जो बात करनी है वो करो। गुस्सा भी तुमको इसी तरह बार बार आता है क्या? उससे तुम्हें क्या, बार बार आया नहीं आया तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, वो बात नहीं है। क्या है ना, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम शादीशुदा होगे, तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, ऐसा लगा था मुझे। बोल लिया ना, बहुत हो गया, रखो फोन रखो। देखी लाल मिर्ची है, बहुत बोलती रहे बाबा। कितना अकड़ू है, बात भी नहीं करता। मिल तो सही, तब बताती हूँ। सर, सर इतनी देर आई है सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जल्दी आइए। क्या हो गया? ये देखिए सर, ये न्यूज़ देखी आपने? वाव, करोड़पति बन गया कोटेश्वर राव, लॉटरी टिकट ने रातों रात किस्मत बदल दी। किस्मत बना दिया, मैं होता तो 50 करोड़ लेकर इस वर्दी को अलविदा कर गांव निकल लेता। मुझे तो इसकी माँ का आईक्यू तगड़ा लगता है। इसके पैदा होते ही इसकी माँ ने आखिर इसका नाम कोटेश्वर राव जो रख दिया था। वो हैंडसम कौन है उसे एक बार मुझे देखना है। अरे बेशरम, मेरे होते हुए तुम दूसरों के बारे में बात करती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों, रोड पर चलते हुए लड़कियों को तुम नहीं घूरती क्या? ए, हम कुंवारे हैं। वो भी कुंवारा होगा। कुंवारा? वो मामूली कुंवारा नहीं है, 50 करोड़ जीतने वाला करोड़पति कुंवारा है। बेचारे ने ना जाने आज तक कितने दुख तकलीफ सहे होंगे, मगर आज के बाद सुख ही सुख है, सुख ही सुख। कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके आस पास अब ना जाने कितने अफसर मंडराते होंगे। अरे मुझे कोई बचाओ, मेरी जान खतरे में है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी, क्या है, कहाँ भाग रहे हो? ये सू 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 करके क्या कोई मुर्गी भगा रहे हो? पक्का कोई लफड़ा करके आए हो? जल्दी बताओ बात क्या है। देखो वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट करो। ए, अरे तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, ये कौन है जानते हो? नमस्ते साहब जी, मेरा नाम कोटेश्वर राव है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं आप सबको क्या बताऊं साहब, लॉटरी के टिकट के लिए मेरा ओनर कभी मेरे पैर पकड़ता है तो कभी अच्छी खासी धुलाई करता है। उसे कुछ बताया नहीं तो उसने मेरे पीछे 4-6 गुंडों को लगाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। अब तो हर कोई मेरे पीछे लगकर मुझे मारना चाहेगा। अब बम्पर लॉटरी लगी है तो गुंडे तो पीछे पड़ेंगे ही ना। रहने दो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है। तुम उसकी फिक्र मत करो,
मिस्टर बालचंद, तुम अपनी पूरी टीम के साथ आज से हर रोज इनका प्रोटेक्शन करोगे। यस सर। क्यों साहब जी? बोलिए। ये लोग भरोसेमंद है ना? अरे बहुत सिंसियर ऑफिसर सही है। पैसे की चिंता नहीं है, बस मेरी जान की हिफाजत हो। मेरी हालत ही ऐसी है कि मैं हर किसी को शक की निगाह से देखता हूँ। 10 करोड़ की बात है ना, कुछ खाने को मिलेगा साहब? क्यों नहीं, मंगवाइए ना। जब से मैंने तुम्हें देखा, मेरा दिन का चैन, मेरी रात की नींद हराम हो गई है। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे चरणों में है। अरे ये क्या कर रहे हो, उठो। कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? एक दोगी क्या? क्या मतलब? क्या दोगी? एक सिंगल किस। किस? हाँ। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। लगता है तुम मेंटल हो। मुझे परेशान करोगे तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। चलो भागो यहाँ से। अरे मेरी बात सुनिए, देखो मुझे परेशान मत करो ऐसे। देखो इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे बाल बांधो प्लीज। सर रहा नहीं जाता है, जल्दी से दे दो। देखो मुझे परेशान मत करो, मैं जा रही हूं, मेरे पीछे मत आना। एक किस। इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है। हाँ है। ये हॉल है। हाँ है। ये डाइनिंग हॉल है। हाँ है। ये मास्टर बेडरूम है अटैच बाथरूम। हाँ के साथ। बहुत बढ़िया है। वैसे आपकी तारीफ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा नाम सर्च बाबू है। हाय। हाय। मैं इस घर का ओनर हूँ। हाय। हाय। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वैसे आपकी तारीफ। महाशय आप कौन है? मैं कोटेश्वर राव हूँ। कोटेश्वर राव जी को मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ जी। तो आप यहाँ का क्या किराया लेंगे जी? आप बताइए आप कौन है? बताए ना, कोटेश्वर राव। नहीं, आप एक देवता हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपकी किस्मत बदल गई है, आप यहीं पर रहेंगे। क्यों कह रहे हैं? अब आपकी हर चीज हमारी हिफाजत में। चलिए लाई दीजिए। अरे दीजिए ना। कहीं आपने टिकट गुल कर दिया तो? अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी पोल खोलने में लगा है। सुनिए बाबू साहब। हाय। आप किस आशा से इन्हें अपना घर रहने के लिए दे रहे हैं? ये कैसा सवाल है? हाँ? मेरे बुजुर्ग लोग मेरे हिस्से में बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। ठीक है, ये भी इसी का एक हिस्सा है, मुझे क्या कमी है? ये कौन है? हमें आशीर्वाद देने के लिए देवता आए हुए हैं। मत्ती मारी गई है क्या? हमारे छोटे भाई और तुम्हारे चाचा हैं। ये रिश्ता तुम्हें कबूल है क्या? मुझे पता था मेरा कोई रिश्तेदार जरूर निकलेगा। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, सारा अरेंज कर लूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है। मुझे सूट बूट और कलर चश्मा चाहिए। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। एक बात और। अब क्या है? सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ? मुझे एक दो नौकर भी चाहिए, ब्राह्मण जाति के। हाय। क्या हो जाएगा? जात पात का भेदभाव करोगे तो अंदर कर दूंगा। चुप कराइए ना। अरे शांत रहो। मुझे चुप कराएगा तू? अरे नहीं जी, आप तो 50 करोड़ के मालिक है ना, इसीलिए मैं सारा इंतजाम कर रहा हूँ। कोटेश्वर राव जी, आपने एक लॉटरी में 10 करोड़ का इनाम जीता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना चल के आपका इंटरव्यू ले लिया जाए। नमस्कार जी। अरे सुनो, इतनी तेजी से फोटो मत खिंचवाओ। जानते हो ये कौन है? प्रेस वाले हैं। जरा सोच समझकर बात करने का। हाय। हाय, तो संभल कर रहना होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? अगर ये खबर कश्मीर तक पहुँच गई ना, तो आतंकवादी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। शुभ शुभ बोलो। काम बोलेगा तो बचा रहेगा, ऐसे में ही सेफ हो। हाँ तो श्रीमान कोटेश्वर राव जी, आपकी वो टिकट कहाँ है? मैं जवाब दूँ? और नहीं तो क्या मैं बोलूंगा? चलो बोलो। तो सुनिए आप सब, बहुत लंबी कहानी है। हाँ, खाकी पर ज्यादा भरोसा मत करना हमारे बुजुर्गों ने कहा है। फिर भी पुलिस में भर्ती होने के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ पर मुझे एक लॉटरी टिकट बेचने वाला मिला। कहने लगा 5 रुपए का टिकट है ले लो। सिर्फ कागज के टुकड़े के लिए 5 रुपए मांग रहा था। मैंने गुस्से में 6 रुपए दे दिए। बताइए 5 रुपए में कोई टिकट बेचेगा क्या? अरे मैंने नहीं। सही कहा ना? हाँ। फिर भी बेच रहा था, जाने को तैयारी नहीं थी। मुझसे बहुत हुज्जत की उसने। आखिर में तंग आकर टिकट खरीद ही लिया मैंने। हाय, खाकी की बात तो अटक ही गई। फिर आगे मैंने भी सोच लिया। बहुत अच्छा किया। आपको एक बात बताऊं, आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ। इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे वो टिकट दिया। अच्छा तो कोटेश्वर राव जी, आपने 50 करोड़ का इनाम जीता है, क्या हमें वो लॉटरी का टिकट दिखा सकते हैं प्लीज? मैं दिखा तो दूंगा, लेकिन किसी से कहना नहीं। हाँ ए जी, जरा अच्छे से ध्यान रखना। डोंट वरी। अरे आप जरा दूर हटिए ना, जरा दूसरी तरफ देखिए। ये रहे मेरे पूरे 50 करोड़। बच गई। ये चिपक कैसे गया?
पाए लागू देवी। देखो एक सिंगल किस दे दो। पहले मेरी हेल्प करो फिर मैं सोचूंगी, पर दूर रहकर करना प्लीज। किस दोगी ना? हाँ ठीक है करो। तुम थोड़ा दूर रहकर भी हेल्प कर सकते हो ना? मैं तो दूर से ही कर रहा हूँ ना। रेडी हो ना? फंस गई मैं इसके चक्कर में। ये क्या, अब तो मैं चिपक गया। हाँ मुझे दिख रहा है, अब ऐसे ही चिपके रहो। लेकिन मेरा किस तो दूंगी ना तो नाक जगह मुंह आ जाएगा। ये क्या, मेरी मदद का यही सिला दिया तुमने मुझे? ए प्रिया छोड़ के ना जा, एक पप्पी दे दो मेरी प्यारी परी। हाय। हाय। ये तुम्हारा घर है? नहीं पड़ोसी का है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हुआ, सीधी खड़ी रहो। आओ आओ, कम इन टू माय कंपार्ट। हाउ इज इट? वाह घर तो बहुत खूबसूरत है, फैंटास्टिक इंटीरियर। थैंक यू थैंक यू। शेक बहुत हो गया, अब छोड़िए, हाथ छोड़िए। मैंने कहाँ पकड़ा? चिपक गया। कैसे चिपक गया? एक जगह गीले पेंट पर हाथ रख दिया था इसलिए ऐसा हो गया। तुम बिना देखे कहीं भी छू देती हो क्या? पर अब क्या करें, हाथ तो छूट ही नहीं रहा। चलो सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ ना वॉश बेसिन पे चलो। प्रणाम है सरकार। मतलब? अरे सलाम सलाम। ग्रह चाल और तुम्हारे चाल चलन दोनों आपस में भिड़ने के समाचार हैं। क्या है वो समाचार? तुम्हारा समय इस वक्त ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे जीवन में मंगल का प्रवेश होने वाला है, संकट घुसने वाला है, समझ गए ना तुम? दिमाग खराब करोगे तो पूरी बॉडी में गोलियां घुसेड़ दूंगा। ना मानना हो तो मत मानो, आज के दिन से आपके दुख का दिन शुरू होने वाला है। इसीलिए मैं उपाय बताता हूँ, हर गुरुवार को अम्बे माता के मंदिर में माथा टेको, वरना तुम बिन ब्याहे बाप बन जाओगे। वैसे तुम हर किस्म से सुपरमैन दिखते हो, लेकिन बात समझो, तुम्हारा ग्रह अच्छा होना चाहिए। फूटो यहाँ से वरना बोलती बंद कर दूंगा। वो आपके वश में नहीं होता। पूरा मान गए? अरे हम तो ठहरे सीधे सादे से साधु, हम तो लोगों का भविष्य बताते हैं, लोग माने ना माने उनका काम। सही जगह पहुंच गया। कौन हो तुम? साहब आपका अर्जेंट कुरियर आया है। कहाँ से आया है? दुबई से आया है सर। वहाँ तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता है। लेकिन वहाँ आपको जानने वाले हैं सर। कौन है वो बताओ? वो आप जान जाएंगे सर, पहले इसमें साइन कर दीजिए। क्यों? इसके बिना नहीं मिलेगा क्या? आपको डिलीवरी मिल गई इस सबूत के लिए। जबरदस्ती गले पड़ के मुझे फंसाना चाहते हो? वो बाद की बात है सर, पिस्तौल देखकर मेरी जुबान लड़खड़ा गई है सर, आप साइन कर दीजिए। लो साइन कर दिया। आपका कुरियर ये रहा। कुरियर से बच्चा आया? जी हाँ। अबे कुरियर से बच्चा कब से आने लगा बे? क्या करता हूँ, हमें पार्सल का ही चार्ज मिला था। माय डियर बाची, तुमने मुझसे प्यार किया, मुझे खराब किया, यूज एंड थ्रो चीज की तरह इस्तेमाल करके मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे की माँ बनी, ये वही बच्चा है। अभी तक तो पाला है सर, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए अभी से तुम्हारे पास भेज रही हूँ। ये तुम्हारा ही लड़का है, हर आदत नेगेटिव है, तुम्हारा ही कॉपीराइट है, इससे अपना लो या ठुकरा दो तुम्हारी मर्जी। तुम इसे अपना लोगे तो मुझे खुशी होगी। आपकी बदनसीब पार्वती, ये सब झूठ है। आप ही मेरे डैडी है क्या? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, तुम यहाँ रॉन्ग डिलीवरी हो। मेरी मम्मी ने जो एड्रेस दिया उसका क्या? सुनो, कुरियर के जरिए रॉन्ग एड्रेस पर रॉन्ग डिलीवरी भेजी गई है। ऐसा नहीं हो सकता डैडी। क्यों नहीं हो सकता है? सामान उठाओ और चलते बनो। चलो जाओ। नाम क्या है? हबीबी। अब क्या सोच रहे हो? मैं कहां जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं दुबई से आया हूं, मेरा यहां कोई नहीं है। चलो घर चलो। मुझे नहीं आना आपके साथ। क्यों?
तुम मेरे डैडी नहीं हो ना इसलिए। तुम्हारा डैडी हूँ, चलो। मेरे डैडी हो तो फिर मुझे अपने घर से क्यों निकाला? अरे मैंने मजाक किया था, मैं तेरा डैडी हूँ, चलो घर के अंदर चलो। बेटो चलो आओ। अरे आओ ना। दुबई से पार्सल करके उसे यहाँ भेजा, वो बेचारा बच्चा मुंबई आया, मुंबई से वो हैदराबाद आया, हैदराबाद पहुंचने के बाद मेरे ऑफिस में आया, ऑफिस में इंक्वायरी के बाद पता चला कि वो आपका ही है। अब वो बच्चा कहाँ है? तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ क्यों भेज दिया? भाई साहब वो नाम आपका ही है ना? है। वो एड्रेस भी आपका ही है? हाँ है। तो डिलीवरी भी आपको ही मिलेगा ना? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिलीवरी पहुँचाना हमारा फर्ज है, किसने भेजा कौन भेजा ये जानना हमारा काम नहीं। ठीक है, दुबई का एड्रेस दो, वापस भेज देता हूँ, मैं उसे नहीं संभाल सकता, फोन करो उन्हें। मैं नहीं करूँगा, आप ही कर लीजिए। Oh my God, ये तो wrong number है। Address wrong हुआ तो बच्चा भटक जाएगा। Shit! Daddy, daddy आओ, daddy देर हो रही है। Daddy, daddy चलो, daddy देर हो रही है। अरे रे रे रे, लगता है ये बच्चा आपको बहुत परेशान कर रहा है। बेटा, delivery के पहले तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। तुम्हारे पापा मिल गए तो तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? हैं? तुम office के अलावा क्या काम करते हैं? वही workshop, courier booking, delivery। ए, अगर मैं ये सफेद रंग लाल में बदल दूँ तो? बेटा तुम इतनी देर से बैठो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, भागो। ये मेरे साथ खेल रहे थे डैडी। अरे बकवास बंद करना, डैडी डैडी करके मेरा दिमाग खा गया। और सुन, 10 लोगों के सामने मुझे डैडी डैडी मत बुलाया कर यार। जब आप अकेले रहेंगे तो बुला सकता हूँ ना? कभी भी कहीं भी ऐसे नहीं बुलाने का, तुम्हें जो भी कहना है इशारे से कहो। अभी तो यहाँ कोई नहीं है ना? तो क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, चलो खाओ, ठूसो। शादी नहीं हुई और डैडी भी बन गया। यहाँ माँ जी नहीं है, डैडी है। क्या बोला है? अरे डैडी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे मैं उसका भी डैडी बन गया क्या? वो मुझे नहीं पता। अच्छा सरदर्द है, मैं भी कहाँ फंस गया। ये लो खाओ। अब खाता क्यों नहीं है? बर्गर पिज्जा नहीं है क्या? नहीं है। पान बटर जैम भी नहीं है? नहीं है। कचौरी भी नहीं है? अरे नहीं है। सब्जी, भाजी, सांबर, इडली, डोसा, राइस, साउथ इंडियन फूड। डैडी ये सब नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये सब होटल से मंगवाया है। छी, गीला कर दिया। ये यहाँ सुलाने के लायक ही नहीं है, ये तो मेरी जान ही ले लेगा। इसे अलग सुला देता हूँ कहीं। यहीं पड़े रहो, अब सुबह देखता हूँ। तुम्हारा समय इस वक्त ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे जीवन में मंगल का प्रवेश होने वाला है, संकट घुसने वाला है, समझ गए ना तुम? आज तो मैं सच में ही बिना शादी के ही बाप बन गया यार। तो कहाँ जाने की तैयारी है? जॉगिंग पे डैडी। बहुत बढ़िया, घर के अंदर ही यहाँ वहाँ चलते रहो। चलो ना डैडी, प्लीज डैडी। कहीं नहीं ले जा सकता डैडी, दूध पी के तुम यहीं पर पड़े रहो और नींद नहीं आए तो एक्सरसाइज कर लो। दादी, दादी, दादी। अरे फ्लावर पॉट तोड़ दिया, बदमाश, ये क्या किया? चलो तोड़ने की क्या जरूरत है, चलो। एग नहीं डैडी, फॉलो मी डैडी। ये तो बड़ा ही तेज है, कहीं सच में मेरा ही बच्चा तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सारा जमाना है पैसे का दीवाना, है सारा जमाना पैसे का दीवाना, ये सारा जमाना। ओहो आइए आइए, नमस्ते, और कैसे हैं आप? सुबह का वक्त सेहत के लिए अच्छा होता है ना? अरे ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है। आजा 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 आजा, आजा बेटे आजा आजा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? हबीबी। हबीबी, कौन से देश की पैदाइश हो तुम? आपको बताना जरूरी है क्या? ओले ले 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 ले, ये बच्चा तो बहुत ही तेज है। हाँ तुम सब भी इस बच्चे की तरह ही तेज है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं। अभी मैंने शादी नहीं की यार। तुम्हारे डैडी कौन है? यार ओ भाई साहब, ये लड़का तो आपको अपना डैडी बता रहा है, सही है ना? कहीं ये लड़का आपके ओवरटाइम का तोहफा तो नहीं? जी, ये क्या कह रहे हो? हाय 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 एवरीबॉडी, हाय हाय। तू भी रोज यहाँ आते हो क्या? बस ऐसा ही समझ लो। ये बच्चा किसका है? बस बच्चा है ये तो वो। पर ये तुम लोगों के साथ क्यों घूम रहा है? इसे शौक है इसलिए घूमता है। बेटा तुम्हारे पापा कौन है?
पापा के बारे में पूछा तो तुम्हारे पीछे घूम रहा है। ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। बेटा इधर आओ, एक बात सच बताओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। बताओ तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? मेरे डैडी। हाँ तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी। बताओ बेटा कहाँ हैं? मेरे डैडी। हाँ तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी। बताओ। पोजीशन जल्दी। एक काम वहीं रुक जाओ। बताओ। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? सुना नहीं, मुंह बंद रखो। साइड में हो जाओ। ये क्या आपका बच्चा है? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये क्या कर रहे हो? ओह शिट, बुलेट। गोली खत्म हो गई। अपना मुंह बंद रखो, समझे? गोली खत्म हो गई। इधर आओ। हाँ भाई गुरु। तेरे पास कितने बचे? एक मिनट भाई, सिर्फ 10 रुपए बचे। एक आधे पैसे नहीं, गोलियां। नहीं भाई, भाग यहाँ से। मैं ऊपर वाले दया करूँ। इधर आ। इसमें भी कुछ नहीं बचा, आप कहे तो भाग जाते हैं। 1 2 भागो भागो। आज तेरी वजह से मारे जाते। ए रुको रुको, कोटेश्वर राव जी कहाँ? वो साथी तो थे। अरे सुनो, मैं यहाँ हूँ। वो लोग भाग गए क्या? मेरे बाप, ये गुड़िया तुम्हें किसने दी? मम्मी। बेटा माँ कौन है? आपकी माँ नहीं, मेरी मम्मी। हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर तो बहुत दूर है। वही तो, कहाँ है बेटा? दुबई में। दुबई में कहाँ? 18th स्ट्रीट के पास। 18th स्ट्रीट में कहाँ पर? यूनियन पार्क के पास। इसकी माँ का वो कहाँ है? बेटा मुझे एक शक है, तुम यहाँ पैदा हुए हो या दुबई में? क्या क्या, दुबई में पैदा हुए तो तेरा बाप कहाँ है? मेरे सामने बैठी अभी तो है। हाँ हाँ, मैं हूँ तेरा बाप। चल सो जा, मैं किसी को जानता तक नहीं और इसका बाप भी बन गया। चल सो जा। डैडी, सिगरेट सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, सिगरेट से ज्यादा हानिकारक मेरे लिए तू बन गया है। बोल बच्चन, जब से तू आया है तब से सोच सोच के मरा जा रहा हूँ। खैर ये बता, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार हैदराबाद गया, लेकिन जब से तू यहाँ पर आया है लोकल ट्रेन की तरह बस एक ही राग अलापता चला जा रहा है बिना रुके। अब बेडरूम में क्या कर रहा है? बाथरूम में जाके सो जा। आप आ जाके सोइए ना। वो बच्चा जो कुरियर से आया है उससे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर आप उसे बेटा क्यों कहते हैं सर? मैंने अभी कहा ना, कोई रिश्ता नहीं है। लगता है उसकी माँ के साथ धोखा हुआ है। उसके पति का नाम भी बाची होगा। मेरे एड्रेस पे भेजने का मतलब मेरी आंखों से भरे मेरे घर के आसपास मेरे ही नाम का कोई ना कोई आदमी जरूर रहता है। जरूर सर। बीच में मत बोलो। मुझे लगता है उसी आदमी ने इस बच्चे की माँ को धोखा दिया है। अब हमारा पहला काम है वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, इस बात का पता लगाना। ओके, when are we meeting again? Day after tomorrow? Sure. Yeah. I'll give you a call. Okay. Bye. Wow. एक बात बताइए, क्या मैं आपको रोड साइड रोमियो दिखता हूँ? नहीं तो। बस स्टॉप में किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उसका पीछा करने वाला लगता हूँ? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। बाय द वे, ये एरिया कौन सा है? पैराडाइज। आप कहाँ रहती हैं? गांधीनगर। ये अशोक नगर कहाँ है पता है?
गांधीनगर के बाजू में। इफ यू डोंट माइंड, मैं इस इलाके में नया हूँ, मुझे रास्ता दिखा देंगी? श्योर। तो फिर स्वागत है, मेरी गाड़ी का दरवाजा लड़कियों के लिए हमेशा खुला है। मेरी गाड़ी न्यू है और उसमें लड़की भी न्यू है। Yes. गाड़ी में आने के लिए थैंक्स, वरना जब बस की स्ट्राइक होती होगी तो दिक्कत होती होगी। दिक्कत कैसी? आप मेरी गाड़ी में बैठी हैं इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तुम हंसो मत, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तुम पर कोई जान छिड़कने वाला मंचला है क्या? ऐसा तो एक ही है, मेरा होने वाला पति। जैसे कि मैं हूँ। hey, बेल्ट लगा। मैं लगा देता हूँ। थैंक यू। आप कौन सा ड्योड्रेंट लगाते हैं? प्लेबॉय। क्यों, पसंद नहीं आया? टू रोमांटिक। मैं भी। हेलो, हेलो, कौन है आप? आपने अपने बच्चे को मेरे पास क्यों भेजा है? हेलो, ओह शिट। कोई फोन में बात कर रहा है तो फोन में बीच में घुसकर बात करना गलत बात है, याद रखना। अच्छा, वरना मार खाओगे। बाप रे, आप डैडी हैं, ये मैं नहीं सोचूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। दुबई से आया, चल भाग। इसे देखते देखते मेरा सिर दर्द करने लगा। तो भाई, हेलो बाची, हियर। देखो अभी अभी यहाँ एक कॉल आया था, मुझे उस कॉल की पूरी डिटेल चाहिए। ओके, हेलो। हेलो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, मुझे अर्जेंटली बात करनी है, पार्क में आ जाओ। आता हूँ। जरा फ्रैंकली बात करें क्या? ऐसी क्या बात है जो फ्रैंकली बात करनी है? मुझे कुछ सवाल करने हैं, करूँ? पक्का इरादा करके आई हो क्या? हाँ। आज तारीख क्या है? 6 तारीख। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? पता है, पूछने का मतलब? शादी के बाद बताऊंगा। पहले तुम सिगरेट फेंको। नहीं छोड़ूंगा, पहले भी तो हमेशा पीता था। तुम रोज इसी तरह पीते हो क्या? नहीं। तो फिर शादी के बाद क्यों पियोगे? ये मेरी मर्जी है। देखो, आज के बाद ये मत पीना, वरना मुझे अस्थमा हो जाएगा। होने दो, इसका इलाज करने के लिए मैं बैठा हूँ ना। आप मुझसे हुज्जत कर रहे हैं। ये तो मेरा रोज का काम है। ठीक है, तो फिर तुम्हें गुटखा खाने की भी आदत है? तुम तो कुछ और कहना चाहती थी। हाँ वो तो है। हाँ तो वो कहो ना। तुम्हें लड़की पसंद है या फिर लड़का पसंद है? मेरे लिए वही बच्चा अच्छा है जो मुझे परेशान ना करे। ना हो उसके पीछे कोई राज है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, तुम बुरा मत मानना। बोलो। तुम मुझे कहीं से 1,00,000 रुपए का इंतजाम करके दे सकते हो? ये तो पार्क में डील कर रही है। कैन आई लव यू मेंटली, फिजिकली, प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली? हाँ बिल्कुल। जय लक्ष्मी मैया, सब तेरी कृपा है। अरे आई आई आई, यही है। अच्छा, व्यायाम कर रहे हैं? जरा सुनो भाई। नहीं नहीं, चालू रखो, चालू रखो। क्या हुआ? ये बैंक मैनेजर हैं। तो मैं क्या, तुम्हें पैसा मिलने के बाद तुम्हारा पैसा ये बैंक में संभाल कर रखेंगे। हाय। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बैंक अच्छा है ना? जी बिल्कुल अच्छा बैंक है। बहुत अच्छा है। पहले वाले की तरह तो नहीं है ना? वो बैंक अलग है, इनका बैंक अलग है, है ना? हाँ, तब तो भरोसा करने लायक है। अब पैसे आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। हाँ, लेकिन पहले अपना बैंक दिखाइए ना। हाँ बिल्कुल सर, अपना बैंक भी बताएंगे और वहाँ आपका खाता भी खोल देंगे। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग है ना। सर, बाजी नाम के शख्स का पता चल गया। कहाँ है? सर वो यही आता है, आप यहाँ आ रहे हैं इसलिए वो खुल के सामने नहीं आया। वो सच में बाची है ना? ऐसा ही पता चला है सर। वो लड़कियों का दीवाना है और इसी शहर में रहता है सर। कहाँ पर? उसका अभी ठीक से पता नहीं चला है। बस स्टॉप पे खड़ी लड़कियों को पटाना उसका हॉबी है सर। उसकी ये चाल हमें उस तक पहुंचाएगी। सर, लगता है कार से आया है। ओह
कार से उतर रहा है सर, जय मालिनी की तरफ जा रहा है। सब कहते हैं मैं रोड साइड रोमियो हूँ और बस स्टॉप पर खड़ी लड़कियों को पटाना मेरी आदत है, क्या तुम इस पर भरोसा करोगी? नहीं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं ऐसी वैसी बातें करूंगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। आई नो तुम नहीं मानोगी। मैं एक बात कहूँ? कहिए। पूरे संसार में इतनी सारी लड़कियां हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ आप पसंद है तो आप विश्वास करेंगे? प्लीज हंसिए मत वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे अरे संभलिए सर। ये क्या है सर, हम उसे ट्रैप करने आए थे लेकिन लगता है वो हमें ट्रैप कर रहा है। क्यों रे बच्चू, तू बहुत बड़ा नौटंकी बाज है बच्चू, अब तो तू गया रे बच्चू, तुझे बनाऊंगा मैं खच्चू और कर दूंगा तुझे मैं निखट्टू। इतनी फजीहत मत करो, मेरा नाम भी बाची है। सॉरी सर, जरा तैश में आ गया था मैं। तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा नाम पूछा। पार्वती ही है। तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी? हाँ बहुत। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम दोनों कहीं दूर घूमने जा सकते हैं, तुम चलना चाहो तो आप मुझे बाहर ले चलेंगे? बिल्कुल। तो फिर ठीक है। प्लान काम कर रहा है, फॉलो मी। वाह वाह वाह, बहुत जल्दी है क्या, बहुत स्पीड से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? ए, कौन हो तुम? अरे हमें बहुत जल्दी है, अरे हमें किसी का पीछा करना था। सर बहुत दूर चला गया सर। अरे अरे यार तुम बेटा, तो मुझे दवा क्यों लगा रहे हो? मुझे लगाने दो ना डैडी। तू तो मेरा प्यारा बेटा है रे। ये बात मैं मम्मी को बताऊंगा कि डैडी ने मेरी तारीफ की। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, हमारे डिपार्टमेंट के मुंह में कालित पूछ जाएगी। उस लड़की को मैं बहुत चाहता हूँ, वो उसे फ्लर्ट कर रहा था तभी उसको गिरफ्तार करना था, लेकिन हम लोग वो सब तमाशा देखते रहे, हमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया सर? तुम्हारे जैसे लोग डिपार्टमेंट के नाम पर थप्पा है, पता नहीं वो बाची है भी कि नहीं, ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है, और वो पता लगाने गई है तो तेरी जान निकली जा रही है। सर जय मालिनी आ गई सर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है, उसकी हकीकत जानने के लिए तुम उसके साथ ही चली गई? क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? उसने इसके साथ क्या किया ये पूछिए। बोलो। वो कितना शरीफ है, क्या करता है, ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने मुझ पर परफ्यूम स्प्रे किया था, मैं बेहोश हो गई थी। बट ही इज टू रोमांटिक। कुछ गवा के तो नहीं आई ना? कुछ नहीं गवाया, इतना होश था मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। उसका सेल नंबर मिला क्या? उसने मेरा नंबर लिया है लेकिन अपना नंबर नहीं दिया। ये तो क्लियर है कि उसका नाम बाची है, दिमाग से एक शक निकल गया। उसका सेल नंबर क्या है पता लगाओ। हमारे फ्रेंड से मिली है। नमस्ते। नमस्कार जी, आइए आइए। अरे दे दे, कहाँ देख रहे हो? उन्हें देख रहा था, आप है ना मेरे साथ। नमस्कार। ये सब आइए बैठिए ना। हाय, तुम्हारे लिए 2 करोड़ रुपए मैंने इनसे लिया है, ये सारा का सारा इंतजाम इन्होंने ही किया है। हाय। अरे बाप रे, तुमने इनसे पैसे क्यों लिए? अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम बहुत बड़ी हस्ती हो, अब तुम्हें शान से रहना चाहिए, अब ज्यादा नहीं सिर्फ 1 करोड़ खर्च होंगे। हाँ, फिर ठीक है, पैसे एक साथ चुका दूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और साथ में ब्याज भी। अब आप लोग बेफिक्र रहिए और जाइए यहाँ से। नमस्ते। ये लो चुपचाप यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम खत्म हो गया तो? पानी पियो। पानी खत्म हो गया तो? सुसु करो। सुसु करो तो मेरी जान ले लो। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ बैठे रहो, यहाँ वहाँ बिल्कुल मत जाना और मेरी तरफ देखना मत और डैडी डैडी करके चिल्लाना मत। ठीक है। नीचे देखो। मेरी तरफ मत देखो ना। सॉरी, मुझे जाने में देर हो गई। क्यों? उसी के लिए तो मैंने सॉरी कहा ना। देखो ना। क्या? उस बच्चे को देखा क्या? कितना प्यारा बच्चा है ना। अरे हाँ, ये तो वही बच्चा है जो उस दिन पार्क में था, है ना? तुमने देखा था क्या? मैंने नहीं देखा। तुम झूठ मत बोलो,
तुम ना उस दिन की तरह आज भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अच्छा ये बताओ उस दिन से अब तक कहाँ गायब हो गए थे तुम? कौन मैं? कहीं नहीं। वो बच्चा किसका है? फिर वही। पता नहीं किसका बच्चा होगा। ए, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उसे बात करने आई हो ना, तो बात करो, वही करो। वो कौन है, किसका लड़का, उसका बाप कौन है, ये सब मत पूछो। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ना वो मेरा बेटा है ना मैं उसका बाप हूँ। फिर वो बच्चा तुम्हें डैडी कह के क्यों बुलाता है? तुम फिर वही सवाल कर रही हो? मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। तो फिर मैं नहीं जानता हूँ। हेलो 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 सर, कैसे हैं आप? मतलब बाल बच्चे ठीक है ना? हमारा प्लान कैसा रहा? मेरा बच्चा ठीक है ना? मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तुम उसके बाप हो? हाँ मैं ही हूँ। बाप हो उसके? उसके बाप हो तुम? हैं? ये कौन है? कौन है ये? सुना नहीं तुमने? कौन है वो तेरी? वो मेरी गर्लफ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड है तेरी? है इतने कमीने और घिरे हुए हो? बुला मत, बुला मत, उससे मत बुलाओ। तू भाग यहाँ से, तुम्हारा देखना मत यहाँ। अब क्या है? अब कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम ही घर जाओ। ये क्या अचानक से क्या हो गया? क्या हुआ बताओ? तुम कोई जर्नलिस्ट हो क्या? कभी कहती हो इस पार्क में मिलो, कभी संजय पार्क में, सिनेमा चलो, घूमने चलो, ये सब क्या है? दरअसल वो क्या है ना, सीधी तरह खड़ी होके बात करो। क्या मुसीबत है, जहाँ देखो वहाँ सिरदर्द। ए, जानती हो मैं कौन हूँ? स्पेशल ब्रांच। मेरे तरीके से बात नहीं करनी है तो यहाँ से चली जाओ। कुछ भी पूछना है तो फोन पे पूछ लेना। अब जाओ, जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी, जाओ। ए, लटके झटके मत दिखाओ। डैडी दूसरी शादी के लिए किसी लड़की से बातें करते हैं और वो कह रहे थे उनसे शादी करना चाहते हैं। तुम जल्दी आ जाओ मम्मी, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। आज मैं पता करके ही रहूंगा कि ये माँ बेटे का राज क्या है। कंट्रोल रूम। हेलो, मेरे घर जो फोन आया था उसका नंबर चाहिए, अर्जेंट। 2 मिनट में आपको मिल जाएगा सर। मतलब दुबई से है? नहीं, हैदराबाद का है सर, क्रॉस रोड के बाद हमारा टेलीफोन पहुंच गया सर। इसकी तो यहीं पर रहकर दुबई का नाटक कर रही है मुझसे। बेटा तुम अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने खरीद कर भेज रही हूँ। जब मैं वहाँ आऊंगी तो बहुत सारे चॉकलेट्स बिस्किट खरीद के दूंगी। ठीक है, रखती हूँ अब मैं। तुम क्या समझती हो मैं तुम तक नहीं पहुँच पाऊंगा? मेरा नाम बाची है। चल मम्मी चल। ए, 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 आप कौन है भाई साहब? बाची, बाची, बाची स्पेशल ब्रांच। हाँ तो किसी की बीवी को इस तरह ले जाओगे? क्या तुम्हारी बीवी? और नहीं तो क्या? मेरी एकलौती बीवी, बचपन से मैं इसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया और इसे तुम लेकर जा रहे हो। कितने सालों तक इसके चक्कर काटे, इसकी सारी बातें मानता हूँ। इसके लिए मैंने इसके माँ बाप से झगड़ा किया, इसके घर वाले नहीं माने तो इसको भगा कर मैंने इसके साथ शादी की। इसके पहले किसी औरत ने फोन किया था? हाँ साहब, वो फोन करके कब की चली गई? ओह शिट, हमने तो पहले ही कहा था तुम्हारी ग्रह दशा तुम्हारे कामकाज के बीच आड़े आने वाली है। इसका सिर्फ एक उपाय है, देवी माता के मंदिर में जाकर हर गुरुवार को माथा टेको, लेकिन तुम नहीं माने। आज से शुरू कर दो, शनि की दशा टल जाएगी। यही है तुम्हारा ग्रह का समाचार। अब इसके बाद तूने एक शब्द भी कहा ना तो आज तू गया। मैं तो सच बताता हूँ, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मुझे माफ कर दो। इस लड़की को पाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले और इसे तुम इतनी आसानी से जा रहे हो। इसको मैं अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता हूँ, इसके माँ बाप से झगड़े तक कर। ए, बस कर बे। इसे मैं अपने दिल में बिठा कर रखता हूँ। जब भी तेरी माँ का बात करने का मन होता है तो सिर्फ तुमसे ही बात करती है। एक बार वो मिल जाए ना तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक ही रस्सी में बांधूंगा। क्या छोटू, भूखे सोने का इरादा है क्या? ठीक है रहो भूखे, मेरा क्या जाता है। छटा घर का लड़का है और इसका गुरूर तो देखो, मैं खा रहा हूं। बेटा खाओ ना, तू मेरा राजा बेटा है ना, खाओ, चलो खाओ ना बेटा। राजा, क्या बेटा, सॉरी यार तुम्हें इतना गुस्सा आ गया बेटा। लो खाओ। डैडी आप भी नहीं खाया ना? तुमने भी तो नहीं खाया ना? खा रहा हूँ डैडी, जोर की भूख लगी है। ये लो पानी।
लो पियो, बहुत प्यास लगी होगी, इसी तरह भूख भी लगी होगी। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? डैडी, हाँ? पप्पू अंकल ने ना मुझे 2 रुपए की चीज दिलवाई थी। दूसरों से लेना बुरी बात है। आप 1 रुपए की चीज दिलवाते हैं तो वो 2 रुपए की भी नहीं दिलवा सकते। तुम्हें अभी से हिसाब किताब करना आ गया है? अभी सीख रहा हूँ, बड़ा होने पे ठीक से करूंगा। सुनो राजा, तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे ना तो पलट कर उसे भी जोर से थप्पड़ लगाना। ओके डन डैडी। अरे भाई साहब, भाई साहब, ये सब क्या है, किसके लिए? आपके लिए छोटा सा नजराना है। थैंक्स भाई साहब, आप तो बहुत बड़े दयावान इंसान लग रहे हैं। लगता है आपके घर का दिवाला निकलने वाला है। अरे शांति। अच्छा ये बताइए, मैं आपका दुश्मन बन जाऊं और आपके खिलाफ चला जाऊं तो? सर हम लोग फ्रेंड्स हैं और फ्रेंडशिप में ऐसी बात नहीं करते। हाय, मैं कह रहा था साहब, मेरी एक इकलौती बच्ची है और उसकी मैं शादी करने वाला हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जी। क्या बात है, तो फिर मैं अपनी बच्ची की शादी की तारीख तय कर देता हूँ। उसके लिए मैं आपसे 5 लाख मांगूंगा, तो आप दे देंगे? क्यों नहीं दूंगा भाई साहब। बकवास। तो मान लीजिए कि आपने मुझे पैसे दे दिए और मैं उसे लौटाते समय 5 लाख के साथ ब्याज भी दूंगा, तो क्या आप बोलेंगे? क्यों नहीं लूंगा, ये तो बिजनेस है। ये हुई ना बात, हमारी फ्रेंडशिप पैसों की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देता हूँ मैडम। सर सिनेमा की किसी बड़ी हीरोइन का फोन है। क्या कहा, फोन है? कहीं ऐश्वर्या का तो नहीं है? यकीन नहीं हो रहा। फिल्म बनाने के बारे में आपसे पर्सनल बात करना चाहती है और आज रात आपको डिनर पर भी बुलाया है। दे दे दे, जल्दी दे। अरे बात करूं उससे, जल्दी दे। हेलो हेलो, हाय, मैं हूँ खारा कोटा कोटेश्वर राव। हाय, दिल जोर से धड़क रहा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। हाय, हाँ जरूर आऊंगा जी। कहीं जाने का है क्या? सुनिए, आप अकेली ही चलेंगी ना? छी, किससे किस तरह बात करनी है, इतनी भी तमीज नहीं। दिमाग तो गंवार का ही है ना। अरे, ये कोटेश्वर राव की गुलामी करने के लिए हम ही मिले हैं क्या? जरा भी मुंडी नहीं हिला सकते, जब देखो गधे की तरह ही हंसते रहता है। क्या करे भाई, वो जो कुछ करे सब सही है। तुम क्यों हंस रहे हो? सोबत का असर है भाई। अरे राणे, ये क्या कर रहे हो, एक भिखारी के पास क्यों बैठे हो? लगता है इसने पिछले जन्म में कोई पाप किया था जो इस जन्म में ये भिखारी बनकर पैदा हुआ। माले, हाँ वो मैं ही हूँ। दीजिए माले, जेब में छुट्टे हैं क्या? कैच। सर बाची का सेल नंबर मिल गया है सर। पहले उस बाची को अपने कब्जे में लेते हैं। May I know who is speaking, please? Hello, I'm Parvati. Parvati, hi Parvati. Hey, just a second, huh? Hi Paru, Paru baby, how are you? I'm fine. आसपास कोई है नहीं ना? एकदम अकेली हूँ? हाँ हाँ. हाँ, what a surprise, huh? तुम्हें पता है, मैं अभी डिनर के लिए तुम्हें ही याद कर रहा था. लगता है कि वो अब उसके वश में हो गई है. अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत टेंशन में आ गया हूँ. Hey, बताओ, आज रात को तुम मेरे साथ आ सकती हो क्या? हाँ हाँ आ सकती हूँ। तुम आ सकती हो? क्या बात है, very good, very good. तुम्हारी शादी हो गई है? अभी नहीं। What is this, poor baby? मैं अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम मिलोगी तो इंस्पायर नहीं होगी, तुम एक्सपर्ट हो जाओगी। अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ मिले हम लोग? वैसे गोवा में एक छोटे से काम से जा रहा हूँ, वहाँ एक छोटी सी पार्टी रखी है, साथ में चलेंगे। राइट, ओके, कॉल मी अगेन, बाय poor baby. नो डाउट पाची पार्वती के जाल में फंस चुका है, अब उसे किसी भी तरह पकड़ना है। मेरे बाप, क्या हुआ तुझे, क्यों इतना चिल्ला रहा है? दूंगा एक। कर दिया कबाड़ा। ए मैडम जरा रुकिए ना मैडम, सुनिए सुनिए सुनिए, एक 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 किस्त देते जाइए। मैं नहीं, वीरप्पन है। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। डैडी आइसक्रीम। डैडी, ये तुम्हारे डैडी हैं? हाँ। मेरा शक बिल्कुल सही था कि ये तुम्हारा ही बेटा है। बिल्कुल सही, ये हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा क्या लगता है? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ लक्ष्मी। मुझे साफ साफ जवाब दो, तुम शादीशुदा हो ना, या किसी से प्यार करके उसे धोखा दिया है? ऐसा था तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया तुमने? सुनो लक्ष्मी, आओ सुनो, मेरे दिल की धड़कन तुमसे क्या कह रही है, शक मत करो, मैं सच कह। तुम्हारे पसीने की बदबू मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आज कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, ये पक्का तुम्हारा ही बेटा है।
एक किस दे दूँ ना। भाई साहब तुम मेरे पैरों में गिर रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी एक मौजूद है। ए, ये कौन है? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ ये कौन है? इसके बारे में बता चुका हूँ, ये कौन सी मुसीबत है? उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अच्छा वो तुम्हें बिना जान पहचान का ही सिग्नल दे रहा है क्या? सच बताओ उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है और ये सिग्नल क्यों दे रहा है? अरे बाबा उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो इस बच्चे के साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सच्चाई यही है। तो बच्चा कुरियर से आ गया क्या? हाँ और क्या। तुमसे उसका कोई रिश्ता नहीं है फिर भी वो तुम्हें डैडी कहके बुलाता है? हाँ। देखो मैं गरीब लड़की हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमें प्यार का कोई हक नहीं है। किसने कहा मैं तुम्हें धोखा दूंगा? इसका मतलब तुम देने वाले हो? गुड्डा गुड्डी की खेल जैसी मेरी जिंदगी हो गई है, मेरा नसीब ही खराब है। एक तुम पर विश्वास करती थी अब वो भी नहीं। फिर वही, मेरा यकीन करो लक्ष्मी, उस बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जिसकी कहो उसकी कसम खाता हूँ, माँ की कसम, भगवान की कसम, मेरी कसम, तुम्हारी कसम, दूंगा अभी कान के नीचे। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। हाँ वो क्या है ना, अगर अगर ये तुम्हें मम्मी कह के बुलाएगा तो क्या तुम इसकी मम्मी हो जाओगी? चलो इनको मम्मी कह के बुलाओ। मैं नहीं बुलाऊंगा। एक कहना बुलाओ, मम्मी। इधर आओ बेटा, यहाँ देखो देखो, ये तुम्हारी मम्मी है, मैं तुम्हारा डैडी हूँ और तुम हमारे प्यारे हबीबी। क्या हुआ, हमारे लाल ने किसी को परेशान किया क्या? हमारे बच्चों को परेशान किया है साहब, और उन्हें बुरी तरह से पीटा भी है, पैरों से लात भी मारी और गिरकर फाइट भी की। क्यों मारा बेटा? इसने मजाक उड़ाया डैडी। हमारा मजाक उड़ाया? क्यों मजाक उड़ाया बेटा? इसने कहा तेरे बाप का ठिल्लू। तेरे बाप का ठिल्लू, इसका क्या मतलब है? मुझे क्या मालूम, हमारे घर में पापा मम्मी को ऐसे ही कहते हैं। अरे सुन सूरदास जी, शादी करके बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उन्हें तमीज से पालना। बहुत हो रही उनकी बात, मेरे बच्चे ने क्या किया था इसे भी उसने नहीं छोड़ा। ये हमारा एक लौता ही बेटा है। ऐसा बेटा पैदा किया है? इसे पैदा करने के लिए मेरी माँ ने बहुत सी मन्नतें मांगी थी। इसे पैदा होते ही पड़ोसियों पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। इसके पैदा होते ही मेरी सास मर गई और पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, पता है? महान गया, क्या कमाल की औलाद पैदा की है, सबको ठिकाने लगा दिया। ए जवान, सवाल की बात करो। ए चुप रहो, एक औलाद क्या पैदा कर दी, पड़ोस वाले बर्बाद हो गए, ये कोई मैटर है क्या? सुनो सुनो, हमारे बच्चे हैं, हम तरफदारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कुछ किया है क्या? नहीं वो तो कुछ, हमारे बच्चे ने हमारे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ माँ जी, क्या किया? हमारा बच्चा शैतान है, जरा पकड़ो इसे, उसने इसे लात घूसे से मारा, डंडे से भी मारा, देखो जरा देखो। अच्छा मारने से इतना छोटा हो गया? तुम्हारे लड़के के मारने से नहीं हुआ है, भगवान की वजह से हुआ है, तो क्या करें? हम चुप नहीं बैठेंगे, आपके लड़के को सबक सिखाना है, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो हम सिखाएंगे। हाँ, तुम्हें मारना होगा उसे। क्यों? मैं इतने कच्चे कान का और मेरा बच्चा इतना कमजोर नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। हाँ जाएंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले इसको खींच कर एक तमाचा मारो, तभी हम लोग जाएंगे। अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारो ना, मारो 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 मारो, अब देखता हूँ तुम लोग कैसे रहोगे। मेरे लड़के को मारा, मेरे लड़के को तोड़ा, मेरे लड़के को फोड़ा। तुम्हारा लड़का सोना है तो मेरा लड़का हीरा है, तुम्हें अपना लड़का प्यारा है तो मुझे भी अपना लड़का प्यारा है, तुम्हारा लड़का फंटर है तो मेरा लड़का और भी बड़ा फंटर है, तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारा है तो मेरा लड़का भी मेरा है। बच्चे चाहे किसी के भी क्यों ना हो, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, चाहे वो किसी के भी क्यों ना हो, तुम्हारे हो। मैं जानती हूँ ये बच्चा तुम्हारा ही है। अरे समझा करो लक्ष्मी। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, शायद सारी गलती मेरी ही है, इस जन्म में तो अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अरे लक्ष्मी सुनो तो सुनो। अरे तुम्हें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, समझती क्यों नहीं हो? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगा? क्यों तुम मेरे पापा के पीछे पड़ी हो? जाओ 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 जाओ, मेरे छोटे। अरे 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 लक्ष्मी सुनो तो, सत्यानाश करके छोड़ेगा यार। रुको, स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच? तो उससे मुझे क्या? तुम बाची हो ना? Yeah, from London. पार्वती को जानते हो? पार्वती? कौन पार्वती? Hey, तुम कितनी पार्वती को जानते हो? एक को। तो फिर कौन पार्वती क्यों पूछ रहे हो? मजाक में। मजाक में? मजाक में दूंगा। Hey, पार्वती के साथ तेरा अफेयर था ना? नहीं पता है ना, पार्वती प्रेग्नेंट हो गई थी। जवाब दे। तुझे पता है ना पार्वती ने एक बच्चे को जन्म दिया है? क्या? No, she removed it. उसने वो बात मुझे फोन पे बताई थी। उसने झूठ नहीं कहा था।
पार्वती ने जिसे जन्म दिया वो बच्चा यही है। ये मुझे डैडी कह के बुलाता है। हाँ? आ, तेरा है बे। हाय बेबी, माय सन, कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हो। हाँ? स्टॉप। मेरे पास जो गन है वो खिलौना नहीं है, ओरिजिनल है। मेरे पास जो है वो ओरिजिनल है डैडी। चल छोटे भाग, वरना वो निकल जाएगा। जल्दी आओ। अरे भाग मत, रुक जा। बेटा तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। रुके सर, बच्चे ने क्या फायरिंग किया सर? मैं तो दंग रह गया सर। मुझे इस पे गर्व है। इस उम्र में अगर इसके ये तेवर है तो आपकी उम्र में इसका तेवर देखने के लायक होगा सर। मारा क्यों सर, बताइए। साहब, साहब की महानता की जाए। आप इंसाफ के देवता है सर। आप गरीबों के लिए फरिश्ता है सर। आपका बच्चा आपसे भी आगे जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तुम्हारी माँ से मिलना पड़ेगा और तुम्हें उसके हवाले करना पड़ेगा। उसके बाद लक्ष्मी को उससे मिलवा कर उसे कन्विंस करना पड़ेगा। फिर ये गले पड़ी घंटी मेरे सिर से उतर जाएगी। मौसम भी कैसे दी? 35 रुपया मैडम। 35 रुपया? पता है बाजू वाला कितने में दे रहा है? फिक्स रेट है मैडम। रहने दो। पाए लागू मैडम जी, पाए लागू। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? अब तक तुम सुधरे नहीं। एक किस दे दो। प्लीज गेट आउट, गेट आउट। मैं आपके पैर पड़ता हूं। अरे क्या नाटक है ये सब? तुम्हें पता है मैं पुलिस वाले से प्यार करती हूं। मैं भी होमगार्ड हूं। एक सिंगल किस दे दो। यू नो बाची, बाची स्पेशल ब्रांच, ही इज माय बॉयफ्रेंड, जानते हो? हां होगा, उससे मुझे क्या, मुझे एक सिंगल किस दे दो। यही मेरा घर है, यही रहती हूं मैं। चलो तुम्हें वही देती हूं, फिर कभी तुम जिंदगी में किसी के पीछे नहीं भागोगे। चलो चलो चलो, यही है। मुझे भी जाना, आप जाइए, मुझे डराइए मत, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अरे वाह, अब उसके कपड़ों की भी धुलाई हो रही है। कितना झूठ बोलते हो तुम, सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती है, समझे? मैं जानती हूँ वो तुम्हारा ही बेटा है। अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं होता ना, तो उसके लिए तुम मुझे धोखा नहीं देते, समझे तुम? इसे पकड़ो। कितनी बार समझाया, उस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बार बार एक ही सवाल करोगी तो मैं उसका जवाब देने वाला नहीं हूँ। जी क्या यार, एक बच्चे ने जीना हराम कर दिया। क्या मैंने तुम्हारा जीना हराम किया है? बच्चा सो रहा है। मैंने जीना हराम किया है? तुमसे प्यार करके मैंने गलती की। बात को उल्टा मत घुमाओ। नहीं समझाना, मेरे बस की बात नहीं है। ये पाइप क्यों लगाया है? क्यों और किस लिए मुझसे मत पूछना। चलो मेरे नाल। किसी के डैडी के साथ कोई लड़की घूमती उसे अच्छा नहीं मानते हैं। दुबई में ही नहीं, हमारे इंडिया में भी इसे गुनाह मानते हैं। मतलब मैं गुनाह कर रही हूँ? दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। ए बेटा तुम सो जाओ ना। ऐसा पता नहीं तेरा बाप कहाँ है, तब तक चलो मैं ही बाप बन जाता। सुनो 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 बेटा, स्पेशल ब्रांच में एक सीधा साधा आदमी काम करता था। अचानक उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लड़की हमेशा उसे गलत समझती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो लड़की शरीफ खानदान की है। सारी गलत फहमी उस आदमी ने पैदा की। वो आदमी बार बार सफाई देता रहा, इसके बाद भी वो लड़की उस पर शक पे शक करती रही। बेचारे के समझाने पर भी लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। भाई साहब, पैसा आते इंसान की औकात बदल जाती है। करे ऐसा क्यों है? जैसे चिरंजीवी को देखो, हाय पहले क्या था अब क्या है। दूसरे अमिताभ बच्चन, हाय हिंदुस्तानी फिल्मों से लेकर जापानी फिल्मों तक उनकी पकड़ हो गई। देश तो देश, विदेश में भी फेमस, ऊंची हैसियत वाले हैं। हाय अच्छा मेरी बात सुनो, देश की किसी बड़ी झील को मिट्टी से पाट कर वहाँ बिल्डिंग बनाकर रियल एस्टेट का कारोबार करें तो वो पूरा होने तक अभी हम लोग का सफर कर लेंगे। ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा पका रहे हैं। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं जी, मैं भी साथ रहूंगा जी। वहाँ मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताइएगा जी। इस नौकरी से तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। राम बाबू, अगर आपको मुझसे कुछ मदद चाहिए तो बोलिए। थोड़ी सी मदद, 425 लाख की। अब
इतना देने की हैसियत नहीं है मेरी। वो 5 लाख तक दे सकता हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं। बेचारा बहुत मजबूर है, किसी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। 5 लाख में कितने शून्य होते हैं। सर, सोशल वेलफेयर वालों ने विशाल जी को भेजा है। अंदर बुला लो, मैं उन्हें भी चेक दे देता हूँ। अरे सुनिए सत्या भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कुछ हुआ? पैसे नहीं चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, मैं तो बस आपकी दौलत की सेफ्टी चाहता हूँ। हाय, आ रहा हूँ। चल हाय। हाय अकल का बेवकूफ, इसी तरह चेक पर ऑटोग्राफ देता रहा ना तो सारी की सारी दौलत हवा में उड़ जाएगी। हम कैसे रोक सकते हैं? रोकना पड़ेगा, वरना हम लोग जो सोच कर उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो हमारे गले की हड्डी बन जाएगी। मालिक, कुछ तो दे दीजिए मालिक। तुम्हारी जेब में कुछ छुट्टे हैं क्या? क्या है कि मैं अपनी जेब में छुट्टे नहीं रखता ना। उस बेवकूफ का पूरा एटीट्यूड ही बदल गया है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। बाहर निकलो, उसका सारा पैसा अपने में ट्रांसफर कर लो, और आगे क्या करना है बताओ। अब तो एक ही रास्ता है, उसे मारना होगा। बोलो कहां लेकर जाएं, काम आ रहे उसको। आज रात को ही उस पर अटैक करो, वो अकेले ही रहता है, डरने की कोई बात नहीं। पर सिक्योरिटी? भाड़ में क्या सिक्योरिटी, सब एक नंबर के शराबी हैं। क्वार्टर खरीद के दे दोगे तो कहीं पीकर पड़े रहेंगे। तुम लोगों को पता है लॉटरी टिकट कहां पर है? उसके लंगोट में। लंगोट से कैसे निकाल पाएंगे? अरे लंगोट कोई अलमारी है क्या? अरे कच्चा चट्टी, चलो जाओ। हाय, इतनी रात को फोन करके कौन परेशान कर रहा है भाई? बोलिए कैसे फोन किया? हाय, नमस्ते जी। हाय, बताओ क्या बात है? मुझे अभी ना स्वीट खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए स्वीट ला सकते हैं? हाय, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा और सुबह तक तो मैं मर जाऊंगा। बाप रे, मुझे दूधी का हलवा खाना है और फिर गाजर का खीर खाना है, दोनों नहीं मिले तो प्लीज कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा, और मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा आपने मुझे कुछ नहीं दिलाया, वो आपको कार में बिठा कर ले जाएंगे मेरे डैडी जैसे। अरे बाप रे, वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर आपको जेल भेज देंगे। ये भाई साहब, आपको उन्हें क्या चाहिए? सुनो बेटा, मैं फोन रख रहा हूँ। आप कौन है? नीचे उतर। क्या? उतार। ठीक है, उठता हूँ। चल, चल। नमस्कार जी। पैंट उतार। पैंट उतार। भाई साहब, ये आधी रात में मेरी पैंट क्यों उतरवा रहे हो? पैंट उतार। पैंट उतार। ठीक है उतारता हूँ। अंडरवेयर क्या? अंडरवेयर क्यों उतारू? तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? जल्दी उतार वरना खोपड़ी खोल दूंगा। उतार। ठीक है उतारता हूँ। तुम लोग आंखें तो बंद करो। ठीक है, मैं ही बंद कर लेता हूँ। कितना गंदा दिख रहा हूँ? वो मैं बहुत हिफाजत से रखता हूँ। हम लोग तुझे बेवकूफ दिख रहे हैं क्या रे? चल बता टिकट कहाँ है? मेरे चाचा के पास है। कहाँ है तेरे चाचा? वो एक सीक्रेट है जी। आहिस्ता बोल। पहले मुझे अपनी इज्जत तो ढक लेने दो जी। जल्दी। मैं पर्सनल बताऊंगा। पर्सनल बताएगा? ए, बाहर जा रहे, बाहर जा, बाहर जा। आइए आइए बैठिए। मैं कान में बताऊंगा। कान में बताएगा? चल बता। बता ना। सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं तो। हाँ, साउंडलेस है ना। चलो फिर से बताता हूँ। चल बोल। बेवकूफ बनाता है। नहीं। हाँ। पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। पुलिस। चलो। अरे बचाओ। चलो चलो। पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। मेरे 50 करोड़ की लॉटरी। तुम लोग यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए हो या ऐश करने के लिए? तुम्हारे होते हुए इतना बड़ा लफड़ा हो कैसे गया? लोगों ने मुझे सिर्फ धमकाए ही नहीं, मेरा अंडरवियर भी उतार दिया। ये देखो, बहुत बेइज्जती की मेरी। अब शांत हो जाइए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और इसे दोहराकर अपनी बेइज्जती मत करवाइए। बेचारा, बहुत बड़ा सदमा लग गया है इसे। उन लोगों ने मेरा अंडरवियर उतार कर मेरी इज्जत देख ली। सुनिए भाई साहब,
यहाँ कोई ना कोई मेरा दुश्मन जरूर है। आप बैल मुझे मार जैसा काम कर रहे हैं जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाय हाय, देखा ना जी। अगर यहाँ ऐसा कोई है तो वो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। वो कोई मामूली आदमी नहीं है जी, सांप की तरह डसकर यहीं कहीं बिल में छुपा बैठा होगा। सुनिए जी, जब वो आपको मिलेगा तब मुझे बताना, मैं उसकी खाल उधेड़ कर, उसकी चप्पल बनाकर, उसके घर वालों के सामने ही उसकी अच्छी तरह से धुलाई करके, पीट पीट कर, कचूमर बनाकर, अरे बाप उसकी ऐसी हालत करूंगा ना। बहुत हो गया, तुम जिस तरह से बातें कर रहे हो उन बातों से सबकी हालत बुरी तरह से खराब हो रही है, समझे? हाय, अब जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या करना है वो सोचिए ना। इसका मतलब तू ही है, तू ही है वो, बोला कापे, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, इसके ऊपर मुझे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई साहब, सुना नहीं? हाय, दूंगा खींच के, बड़ा आया डराने वाला। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। हे नारायण नारायण, नॉट ओवर, सेंड 2XXM क्वार्टर बॉटल इमीडिएटली, मैटर सीरियस, अपर ओवर। अबे देसी टंकी गाड़ी से उतर, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये क्या बदतमीजी है? जल्दी है क्या, जल्दी है क्या, मुझसे आखिर ये सवाल पूछने वाले तुम होते कौन हो? ये क्या उठा के दिखा रहा है, मैं भी उठा के दिखाऊं क्या? ओवर। ए, जानते हो मैं कौन हूँ? बाची 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 स्पेशल ब्रांच। मैं कौन हूँ जानते हो क्या? क्वार्टर क्वार्टर नारायण, सस्पेंडेड एक्सचेंज ऑफिसर। क्यों मुझे गन कर दिखा रहे हो, लाइसेंस है क्या इसका? क्यों लाइसेंस नहीं होगा तो नहीं मरेगा क्या? तो क्या तुम मुझे मारोगे क्या? हाँ तो मारो मारो, है मत तो मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। देख देख मैं कौन हूँ, अब बता दो तुझे कौन हूँ मैं, कौन हूँ? चार दिन अंदर सड़ेगा तो तेरे सारे होश उड़ जाएंगे। तुमो क्या है? बेल ऑर्डर लेकर आई हूँ। बेल ऑर्डर किसका है? नारायण जी का। नारायण? यहाँ कोई नारायण तो नहीं है? वो देखो वही है। ग्लैड टू मीट यू। ये है? इसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे पिताजी हैं। क्या कहा, ये शराबी तुम्हारा पिता है? इतना घटिया खानदान है तुम्हारा? ए देखो वो मेरे पिताजी हैं। सुन लिया ना, वो मेरी बेटी है। तुम्हारा बैकग्राउंड कितना घटिया है, ये किसी और का बाप होता तो बता देता, ये तुम्हारा बाप है इसलिए तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। मुझे बेवड़े कहने वाले को मैं कभी अपनी बेटी नहीं दूंगा, कैसे? बकवास बंद कर, बेवड़े खींच के दूंगा। रुको रुको, प्लीज देखो ये मेरे पिताजी हैं, इनसे जरा इज्जत से बात करो। सुनो, इज्जत से कहता हूँ, ऐसे आदमी की बेटी के साथ मैं शादी नहीं करना चाहता, मेहरबानी करके इसे यहाँ से ले जाओ। शराबी की बेटी से मैंने प्यार किया, क्या किया मैंने ये? मिस्टर बाक्स, कौन है? यस सर। एनी प्रॉब्लम? पर्सनल है सर, डिपार्टमेंट की नहीं है। डिपार्टमेंट की नहीं है तो फिर इसे इतना भड़कने की जरूरत क्या थी? अरे बाप रे बाप, उसने मेरे कान के नीचे ऐसा बजाया कि मेरा कान FM रेडियो में बदल गया। उसके पैर पड़ो, उससे माफी मांगो। छी, आप उनके होने वाले ससुर हैं, ये उनको नहीं पता था ना? हाँ, एक तू यार सच्ची है, गलती करने के बाद हर कोई कन्फेशन करता है, पर ऐसा करने से क्या उसका गुनाह धुल जाता है? मेरी भोली भाली बेटी और उसकी दीवानी, पता है ना वो तुमसे किसी लालच में शादी कर रहा है, स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर है ना, इसलिए मुझसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। आपसे ही नहीं पिताजी, उन्होंने मुझसे भी बहुत सारे सवाल किए। बहुत सारे सवाल किए थे? हाँ करेगा भी, उसे जितनी भी सैलरी मिलती है वो उसके खर्चे के लिए पूरी नहीं होती होगी, अगर उसे शादी कर ली तो तुम बहुत पछताओगी। पिताजी वो ऐसे इंसान नहीं है। कौन कैसा मैं जानता हूँ, ये सब शादी के बाद ही पता चलेगा। आज तुम जितने खुश दिख रही हो ना, कल उतना ही रोने वाली। वो ऐसे नहीं है पिताजी, उनके पास एक बच्चा है ये मैं भी जानती हूँ। वो उनका बच्चा नहीं है पिताजी, वो किसी और का बच्चा है। हमारे घर में कोई बच्चा है क्या? नहीं। हमारे अड़ोस पड़ोस के किसी भी घर में कोई एक्स्ट्रा बच्चा है क्या? नहीं। तो फिर जरा सोचो कि उसी के घर में बच्चा क्यों है। आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी डाउट हो रहा है। वो कहते हैं ना, एक सच 100 झूठ से बढ़कर होता है, इसलिए मैं सच्चाई तेरे सामने ला रहा हूँ। याद रखो, जब जागो तब सवेरा, इसलिए उसकी बात पे यकीन मत करना। पता नहीं उसने अब तक कितने बच्चे पैदा किए होंगे, अगर तूने उसे शादी की ना तो तेरी सौतन मन के पता नहीं और कितनी आएंगी बच्चों के साथ। मम्मी मम्मी सुनते हुए तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुनो ना मेरी बात सुनो, वो बच्चा कौन है और उस बच्चे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसकी माँ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसके साथ तुमने शादी की थी क्या, या फिर तुमने उसे धोखा दिया था? मुझे अभी इसी वक्त सारे सवालों के जवाब चाहिए, प्लीज। तो सुनो, मेरा जवाब ये है कि मैं उससे शादी कर चुका हूँ, अब तो खुश होना। सुनो सुनो, तो मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया क्या? मैंने कोई पाप किया है क्या? अगर सच में वो बच्चा तुम्हारा है तो तुम बता सकते थे।
थे। मैं अब तक तुमसे सच ही बोलता आया हूँ। पर मेरे पिताजी तो कुछ और ही कह रहे थे। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है या उनकी बातों पर? ए देखो, वो मेरे पिताजी हैं। उन्हें जरा इज्जत देकर बात करो। देखो तो बड़ी इज्जत वाली आई। फैंटास्टिक पागल फैमिली। अरे भगवान से गलती हो गई, वरना तुम लोगों को कुत्ता बनाकर पैदा करते। अरे नहीं नहीं, रोना मत रोना मत। मैं जानता हूँ तुम एक पटरी पर चलने वालों में से नहीं हो। आओ आओ, चुप हो जाओ। हबीबी कहाँ चला गया? हबीबी हबीबी, ये तो अच्छी बात हो गई यार। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। ऐसा करेगा वैसा भरेगा। सुनो, हबीबी को देखा? हबीबी कौन है? हाँ। अच्छा, वो बच्चा हमने उस तरफ जाते देखा। थैंक यू। कोटेश्वर राव, कोटेश्वर राव, कोटेश्वर। अरे बाप रे, शावर से नहा रहा है। अच्छे से नहाना, पसीने की बहुत बदबू आती है। ये भी ना, दो लोटा पानी में नहाने वाला आजकल शावर में नहा रहा है। वक्त है यार, वक्त है। मेरे ही घर में मुझे कोटेश्वर राव जी कहना पड़ रहा है क्या? जमाना आ गया है। अरे नहाकर जल्दी निकलो बाबा। अरे कोटेश्वर जी, एक ही दिन में पूरी गंदगी साफ कर लोगे क्या? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, बंदर की डुगडुगी मेरे हाथ में। हे भगवान, ये सब क्या है? बंदर की डुगडुगी। अरे बाबा, मैं बर्बाद हो गया रे। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। कोटेश्वर राव नाम के एक व्यक्ति ने उसे 50 करोड़ की लॉटरी लगी है ऐसा विश्वास दिलाकर दादा बाबू को 7 करोड़ का चुना लगाकर फरार हो गया है। जनता से निवेदन है कि उससे सावधान रहिए। बैड, वेरी बैड। हमारे स्टेट में पहला साइबर क्राइम केस हुआ है। सोचकर ही शर्म आती है कि हम जैसे को बेवकूफ बना गया। मुझे नहीं, आपको। पूरे डिपार्टमेंट को यार। खैर छोड़ो, मुझे ही सही। तुम क्या कर रहे हो? वो कौन है, कहाँ से आया था, ये पता नहीं लगा सकते थे? उनसे फ्रेंडशिप क्यों की तुमने? उससे हमारा रिश्ता ही क्या था? आपने ही कहा था उनका खास ख्याल रखने के लिए। डिपार्टमेंट ने कहा था यार। देखो मिस्टर बाची, जो होना था वो तो हो गया, अब तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि हमारी नौकरी बची रहे। मेरे भाई, ये सब क्या हो गया? उस कोटेश्वर राव ने हमें करोड़ों का चूना लगा दिया। अब तो हर कोई मुझे फोन कर करके परेशान कर रहा है। हेलो दत्ता जी। नमस्ते जी, इस तरफ कैसे आना हुआ? क्या करोड़ों रुपया ले चुके हो? वो तो यहाँ से भाग गया। मैंने तुम पे विश्वास किया था, इसलिए वो पैसे तुम दोगे। चलो लाओ, हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे और आपका पैसा दूध से धोकर लौटाएंगे, ठीक है? वो बात की बात है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, समझा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो आज मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा।
आप मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपके पैसों से ज्यादा मेरी जुबान कीमती है। पैसा आपको मिल जाएगा, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी कोठी नीलाम कर दूंगा, समझा दे इसे। मैंने कहा था इसका पैसा टाइम पर दे दो, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। बाप रे, सारी जायदाद बेचकर, ये अंगूठी भी बेचकर अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो उतना पैसा नहीं होगा। सबसे पहले अपनी अंगूठी निकालो, उससे जितना आता है सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा डालेंगे, उससे क्या होगा, हमारी इज्जत बनी रहेगी ना। कौन मर गया है? शादी के मंडप से लड़की भाग जाती है तो बाप ऐसे बैठता है? सुनिए जरा, रिस्पेक्ट से बात करती तो। तेरे पास रत्ती भर भी कुछ बचा नहीं है और मैं तुझे रिस्पेक्ट करूं, बेवकूफ। उस कोटेश्वर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तूने कहा था इसीलिए मैंने दिया था। भाई साहब, पेट की कसम खाकर कहता हूँ, आपका पैसा मिल जाएगा, मुझे एक महीने का समय दे दीजिए प्लीज। अगर 30 दिन से 31 दिन हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगा। बाप रे, चला जा। ये सब तूने आइडिया दिया था, सब तेरी वजह से हुआ बेवकूफ। अरे कोटेश्वर राव, तू जहाँ कहीं भी रहे अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, आइए आइए। आ तो गया, मेरा 50 लाख चाहिए। हाँ मैं खा गया, नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पैसे मैं तुमसे लूंगा। तूने मुझे दिया था या उसे दिया था? मुझे दिया होता तो 50 लाख नहीं उसका दुगना लौटाता। तुमने उसको दिया है इसलिए पैसा जाकर उसी से लो, मैं नहीं देता, क्या कर लोगे? और क्या करूंगा, वेट करूंगा। वेट करूंगा कह रहे हो और हाथ बांध कर यहीं पर खड़े हो? चलो जाओ, चल जा, जाओ। आया बड़ा पैसा वसूल करने वाला, जैसे मुझे दिया है। कोटेश्वर, तूने तो मुझे भिखारी बना दिया मेरे यार, अब तो मेरे पास सिर्फ भीख का कटोरा ही बचेगा। अरे चुप कर, कटोरा हाथ में लिया नहीं उससे पहले ही रोने लगा। भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो। बाप रे, ये पैर आ गया। एक साइड में आइए ना, एक पप्पी दे दीजिए। देखो ऐसा मत करो, only one पप्पी। मेरे पीछे मत आना। एक बार भागो यहाँ से। सिर्फ एक चुम्मा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे एक चुम्मा। बाप रे, बहुत देर हो गई, जल्दी पहुंचना पड़ेगा। अरे तुम? यस, मेरी बेटी को मुझसे छीन कर मेरी जिंदगी से मेरी बच्ची को अलग करके मेरी बाईपास सर्जरी करवा देगा, ऐसा सोचा था क्या? ये लव मैरिज मैं नहीं होने दूंगा। ए बुढ़ो, ये नाटक नौटंकी बहुत हो गई, चल निकल यहाँ से। क्यों बे, क्यों दे रहा है मुझे तू ये डिस्काउंट? हाँ, मेरी बच्ची मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है मुझे, अगर दोबारा उसके साथ देख लिया तो मैं तेरी बॉडी को डेड बॉडी बना दूंगा। ये नाटकों का भूत बातों से नहीं मानेगा, अब तुझे बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, चल। सॉरी यार, शराब के नशे में बेहुदा हरकतें कर रहे थे, मैंने उन्हें अंदर बंद कर दिया, वो देखो। मैं जर्नलिस्ट वेंकट लक्ष्मी बोल रही हूँ, आप इस महाशय को यहाँ क्यों लाए हैं? मेरा मतलब, इन्हें क्यों अरेस्ट किया है? प्रोफेशनल, हाँ? सड़क से लाया हूँ, तुम उन्हें पहचानती हो? नहीं पहचानती तो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो, तुमने मेरे पापा को फिर से क्यों मारा? लिख दो कि शराब के नशे में नारायण ने एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की, इसलिए उसे लॉकअप में बंद कर दिया। अरे सुनो तो सही, ऐसा करोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे क्या मुसीबत है, घर क्यों नहीं आते? घर आकर उनसे मिलो, उनसे बात करो, गलतफहमी दूर हो जाएगी। कम से कम एक बार तो मेरे पापा से बात करो प्लीज। आऊंगा, तुम्हारे बाप से मिलने आऊंगा, पर वो शराब नहीं पियेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, शराफत से, सभ्यता के साथ, इंसानियत से पेश आने चाहिए, वरना। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अरे रे रे रे, ये क्या बदतमीजी है, मेरे ही घर से मुझे क्यों निकाल रहे हो? अब ये घर तुम्हारा नहीं है, कोटेश्वर ने हमें कब का बेच दिया है। अरे कोटेश्वर, तूने मेरे सर से छत भी छीन लिया, अब मैं कहाँ जाकर अपना सर छुपाऊँ? टाइम पे पैसे पहुँचा देना, मैं तो मुझे जानता है ना, तेरी ऐसी हालत करूँगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ए चल जा, जा। अरे वक्त ने भी कैसे करवट बदल लिया यार। वो जो कोटेश्वर राव है ना, शराफत का चादर ओढ़ कर टाटा कर गया जी, दिमाग से वो तो बेहद धनी है, आपको क्या मिला? मैं धोखा खा गया। नहीं, लालच की बुरी बला, बड़े लालची हो तुम। मैं चलता हूँ। अब तू भी मेरा साथ छोड़कर जा रहा है,
अरे रुकना, ए रुकना, अरे रुक, ए ए ए, अरे रुक, तू मुझसे पहले तुम लोग ये दुनिया छोड़कर जाओगे। क्या हुआ? है? नौकरी चाहिए। किसको? तुझे। तुम मुझे नौकरी दिलवाओगे? हाँ। सच में तुम मेरे लायक का कोई काम दिलवाओगे क्या? कोई शक? आंखें बंद करने का, चुपचाप कटोरा उठाने का और भीख मांगने का। अरे तेरी तो, अरे मैं मेरी बात सुनेगा तो फायदे में रहेगा। क्या? आज तो इंसान की तरह लग रहे हैं। आप जानते हैं मैं बाची हूं, स्पेशल ब्रांच। आप ये भी जानते हैं मैं आपकी बेटी लक्ष्मी से प्यार करता हूं, आपकी बेटी से शादी भी करना चाहता हूं। जल्दी है क्या तुम्हें शादी में? इतनी जल्दी है क्या? ये क्या तमाशा है? तुमने आने में आधा घंटा देर कर दी। मेरे आने में देर हो गई, इसका मतलब क्या ये शराब पिएंगे? ये मेरी मर्जी है, मैं तेरे आने से आधा घंटा पहले पीऊं या आधा घंटे बाद में पीऊं? तू ना पूछ वाला, मेरी बेटी ने कभी नहीं पूछा, मेरी बीवी ने कभी नहीं पूछा मुझसे, तू होता कौन है? आज मंगनी की रस्म नहीं होगी बेवड़े, आज तेरे पेट पे गोली उतारने की रस्म होगी। एक गोली पेट में उतर गई तो अधूरिया कई काम से। मेरे पापा को कुछ मत करना। चुप रह, तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा तो ये शराबी उसे बेचकर शराब पी जाएगा। तो मेरी चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूंगा। नौटंकी करता है शराब। रुक जरा, अकाउंट क्लियर करता हूँ। भगवान की दया से आज थाली भर के मिला है। सब किस्मत का खेल है, समझ गया ना? अपनी किस्मत तो मैंने खुद ही बिगाड़ी है। कैसे? लालच को अपने गले लगा लिया था ना, इसीलिए लूट गए। हाँ? पूरा खर्च करने के बाद मैंने जमा किया, देख ले कितना है इसमें। अरे लेकिन इसमें तो सिर्फ छुट्टे दिए थे। काच ऐसे करके जो पैसा देता था ना वही इसमें है। ओह, मेरा पूरा परिवार इसी धंधे में और अच्छा कमाता है, समझा? अच्छा ये बता, तू कब तक धनवान था? यही कोई 10-15 साल। कभी भी लक्ष्मी को काच ऐसे करके नहीं देना चाहिए, प्यार से देना चाहिए, इसमें बरकत होती है। अच्छा, ये लो प्यार से देता हूँ, ये लो हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे क्या हुआ? फिर से यहाँ भीड़ क्यों जमा कर रखी है? कोई कंप्लेंट है क्या? कंप्लेंट तुम्हारे बच्चे का नहीं है, तुम्हारा है। मेरी है? मैंने क्या किया? तुम शादीशुदा हो ना, इतना बड़ा बेटा होने के बाद दूसरी लड़की के पीछे घूमते हो, तुम उससे शादी करोगे? क्यों बेटा, तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है? भाई साहब, बच्चे को डराइए मत, ये मत समझिए वो अकेला है, हम सब उसके साथ हैं। देखो तुम्हारी बातों से मुझे इरिटेशन हो रहा है, ये बताओ बात क्या है? बात क्या बताए, तुम जो कर रहे हो वो सही है क्या? वो मेरी मर्जी। तुम एक बच्चे के बाप होकर दूसरी शादी करना चाहते हो? ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सच है। ये क्या कह रहे हो? फिर ये बच्चे का मामला क्या है? इसे 24 घंटे अपने सीने से चिपकाए फिरते हो? सुनो भाई साहब, पहले ये बताओ तुम्हारी पहली बीवी कहाँ है? क्या कहा? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं अभी तक पूरी तरह से कुंवारा हूँ। तुम्हारी झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा? तो फिर ये बच्चा किसका है अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई? सुनो, अपनी बीवी के साथ बेवफाई की ना तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मेरा जीना हराम करोगे तो ये क्या गन निकाल कर फायर क्यों कर रहे हो? तुम हमें डरा धमका कर चुप कराओगे फिर भी हम चुप नहीं रहेंगे। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चुपचाप सुधर जाओ, ऐ तो फंस जाओगे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझना, मैं अकेली हूँ, हमारा महिला संगठन है, यहाँ पर महासंग्राम होगा, इस कॉलोनी में भूकंप आएगा, कोई तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेगा, याद रखना। इज्जत से जाकर इसकी माँ को लेकर आओ। चलो जाओ। मेरा जीना तो हराम कर ही दिया है, अब मेरी शादी भी रुकवाना चाहते हो? डैडी, डैडी, तुम रो क्यों रहे हो? डैडी, अब मम्मी से दूर क्यों रहते हैं? डैडी, अब तो उनमें कुछ झगड़ा हुआ है क्या? आप मम्मी को यहाँ लेके आइए ना डैडी, आप दूसरी शादी कर रहे हैं क्या डैडी? आपने उन सब के सामने हाँ क्यों कहा डैडी? इसलिए मैं सो नहीं पाया हूँ डैडी। सो जा बेटा, सो जा।
मम्मी को भी बुलाओ ना डैडी, आप बुलाओगे ना? नहीं बेटा, तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सच के? आप मुझे बताओ ना डैडी। सो जाओ बेटा, सो जाओ। देखो बेटा, वक्त आने पर बताऊंगा, सो जाओ। मालिक, हाँ? मालिक, बार बार किसको बुला रहे हो मालिक मालिक बोल के? जोर से बुलाओ, आवाज में दम होनी चाहिए। देखो मैं कैसे बोलता हूँ, मालिक। इसे कहते हैं टैलेंट। सुन, यहाँ एक रद्दी की मंडी है, बहुत भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे। अगर तूने वहाँ पे सबको अट्रैक्ट कर लिया तो तेरा करियर बन जाएगा। चल दिखा देता हूँ। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है ना? हाँ। एक बात बताऊँ? हाँ। वो क्या है ना, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कोई ना कोई नौटंकी तो करनी पड़ती है। ये सब नहीं करेंगे तो भीख मिलनी मुश्किल हो जाती है भाई। अभी आता हूँ मैं। हाँ। दे दे बाबा अंधे फकीर को दे दे। एक करोड़पति आज सड़कपति बन गया है, तुम एक दोगे तो वो दस देगा, देते जाओ। फंटास्टिक करेक्टर ऑफ इंडिया। एक बात बताऊं, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, फिर इस कोटेश्वर के चक्कर में कैसे फंस गए? लालच बुरी बला होती है, ये मेरे नसीब में था। आपको टेंशन में देखकर मैं यहाँ आया हूँ सर, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है सर। हमें खबर मिली है कि कोटेश्वर यहीं छुपा है। अंदर बैठकर नौटंकी करने से तुम बचोगे नहीं, बाहर आओ। सर, हमारा यहाँ आना बेकार नहीं गया सर। सर, सर, मुझे आपने क्यों पकड़ा है सर? क्यों बे? क्या सोचा है, नाजायज बच्चे पैदा करके मेरे नाम का फायदा उठाता रहेगा? सर, ना कोई मेरा बच्चा एलिमेंट्री में है और ना ही मेरा कोई बच्चा है। पहले सच सच बताओ कि उस बच्चे का क्या लफड़ा है। किसी और के बच्चे के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरा किसी बच्चे से कोई संबंध नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पार्वती नाम की औरत को एक बच्चा पैदा हुआ है। पार्वती कौन है सर? आई डोंट नो हु पार्वती इज। मैं चाहूँ तो तुझसे सारी सच्चाई उठा। एक्सक्यूज मी, हु डू यू थिंक आई एम? हाँ, लुक मैन, आई नो द लॉ, यू जस्ट गेट योर क्रेजी की तुम। ले चलो इसे, ऐसा याद आएगा कि कौन थी वो। चल, अब बताता हूँ मैं क्या चीज। चल लक्ष्मी, कहाँ हो लक्ष्मी? माले, क्या सेट आ गए? ये लोग कौन है? ये लोग करोड़पति हैं। What is the relation between you and me? Lottery ticket खरीदो, lottery ticket, भाग्यलक्ष्मी lottery, धनलक्ष्मी lottery, शुभलक्ष्मी lottery, lottery लो। तीन रुपए में 2 करोड़, 4 रुपए में 3 करोड़, 1 टिकट खरीदो भाई, आपकी दुनिया बदल जाएगी। उसका नतीजा यहाँ सामने है। अच्छा तुम पहले ये बताओ, 2 करोड़ लॉटरी का क्या भाव है? 3 रुपया। प्लीज जल्दी करो भाई, खरीद लो धनलक्ष्मी लॉटरी। ये लीजिए सर, आपकी लॉटरी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू लक्ष्मी। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। थैंक यू। जो भी कलेक्शन आएगा वो सब आपका ही है, इसे संभाल कर रखिएगा। हे मेरे भगवान, 2 करोड़ का कर्जा उतर गया। ऊपर भगवान है, नीचे शमशान है, बीच में हम हैं और ये दुनिया है। सजन रे मत बोलो, खुदा के पास जाना है, जाना है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही। अरे मालिक, बाची आप ही हैं क्या? जी हाँ, आई एम राजू, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। पार्वती नाम की एक औरत कुरियर से हबीब नाम के एक बच्चे को भेजी थी, गलत एड्रेस की वजह से वो बच्चा आपके पास पहुँच गया, मैं उसे लेने आया हूँ। उससे आपका क्या रिश्ता है? पार्वती ने मुझे यहाँ भेजा है। इस वक्त वो कहाँ है? कॉन्फिडेंशियल है, मुझे उससे मिलना है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो मैं ये बच्चा नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम लीगल तरीके से बच्चे को नहीं दोगे। तुम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होकर भी ऐसा काम कर रहे हो, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को यह शोभा नहीं देता। उस बच्चे को तुम्हारे पास से ले जाकर अनाथाश्रम में रखने के लिए उसने लेटर दिया है। उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हबीबी,
तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो? खुद जाकर लाओ ना डैडी। ठीक है, मैं उससे जाकर कहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा आप उन्हें जाकर लाइए, फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं डैडी? कहाँ लेकर जा रहे हैं डैडी? मम्मी को लाओगे ना? लाऊंगा बेटा, तुम दिन भर अकेले रहते हो ना, बोर होते होगे, इसलिए अंकल के साथ वहाँ पर जाकर रहो। ओके? नहीं डैडी, मुझे आपके साथ ही रहना है डैडी। नहीं बेटा, इन्हें यहाँ मम्मी ने ही भेजा है। मम्मी ने मुझे आपके पास भेजा, फिर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं डैडी? तुम ये बात अपनी मम्मी से ही पूछना। नहीं डैडी, मुझे वहाँ नहीं जाना। नहीं बेटा, मुझे आपके पास ही रहना। देखो वहाँ मम्मी है, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। वहाँ अच्छे अच्छे खिलौने हैं बेटा, कुछ दिन मम्मी के पास रहो, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। देखो तुम्हारे बिना यहाँ मेरा मन भी नहीं लगेगा। नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे इस तरह से जिद नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे डैडी की बात मानते हैं ना? तुम अच्छे हो ना? आप क्या कर रहे हैं? सॉरी भाई साहब, मैं इसे नहीं दूंगा। फिर इसकी माँ का क्या होगा? माँ? माँ के नाम पर कलंक है, वो अपने बच्चे को कुरियर से भेज दिया, अब अनाथ आश्रम में डाल रही है। ऐसी औरत को माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। वो माँ नहीं, डायन है। वो इसकी माँ थी, अब नहीं है। अब इसका माँ बाप मैं हूँ, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं? सॉरी भाई साहब, वो इस बच्चे की कुछ नहीं है। जाइए यहाँ से। गो। अगर तुम्हारे पास माँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हारे डैडी है ना, मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे हो। हेलो, हाँ मैं बाची बोल रहा हूं, मैं वहां हूं। कहां सर? बेटा तुम यहां बैठो। डॉक्टर, मैं हूँ बाची। आप ही है मिस्टर बाची? आपको मैंने ही कॉल किया था। इसलिए? हमारी एक पेशेंट आपसे कुछ खास बात करना चाहती है। वो कौन? एक्सक्यूज मी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए अंदर। आप प्लीज अंदर तो आइए। जी पार्वती, मैं हूँ, अभी भी मेरा बेटा है। तो तुम ही हो वो जिसने किसी और के औलाद को मेरे गले बांध दिया। इसने भगवान ने सजा दी, पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हें नहीं पता, मैं लक्ष्मी को जानती हूँ, वो मेरी बहन है। मैं किसी के प्यार में फंसकर घर से भाग गई थी। जब उन्हें पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो विदेश भाग गए। मैं
मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। जब मुझे उनका पता चला तब मैं माँ बन चुकी थी। इस बच्चे के लिए मुझे जीना पड़ा। उसका हक दिलाने के लिए मैं हर पल कोशिश करती रही, मर मर कर जीती रही। और भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा कभी ठीक न होने वाली बीमारी में दे दी। मुझे ब्रेन हैमरेज है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी। मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? ये बात मुझे सताने लगी। मैं खुद मर जाती लेकिन बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर ली। वो हैवान मेरे बच्चे को प्यार से पालेगा इसका मुझे विश्वास नहीं है। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चे से तुम्हें बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए उसे लाने के लिए इन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा था। आज मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम नहीं भेजना चाहते ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिली। आज से तुम ही उसके माँ बाप हो, उसके सब कुछ हो। ये जानने के बाद अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। अगर ये बात तुम मेरे घर वालों को बता दो कोई बात नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? यहीं पर है। मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा मत करो भैया, उसे यही सोचने दो कि मैं दुबई में हूँ। वो मेरे बिना सुकून से जी सकेगा, मेरी मौत का सदमा वो नहीं सह पाएगा। उसे तुम्हारे साथ खुश रहने दो। एक बार मैं मेरे बच्चे को दूर से देखना चाहती हूँ। की है वो तुम्हारे प्यार के बीच में ना आए। तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाए मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। फ्रेंड नहीं रही। रुको, पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटा। वो किसकी है डैडी? मेरी फ्रेंड है बेटा। डैडी, क्या है बेटा? मेरी मम्मी की पैर में भी इस तरह एक काला तिल है। नारायण जी, नारायण जी, बेटा जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे नाना है। तुम्हारा खून आया है, तुम्हारा नाती। ये तुम्हारी बड़ी बेटी पार्वती का बेटा है। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया इसलिए तुम्हें मुंह नहीं दिखाना चाहती थी। अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गई है। उसकी निशानी को अब तुम्हें संभालना है। तुम इसे अच्छी तरह से... नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये मेरे पास ही रहेगा। मैं ही संभालूंगा इसे। बेटी, बेटी पार्वती, बेटी पार्वती, तू आ गई क्या बेटी? यहीं रुक जाइए सर, हमें बस दो मिनट के लिए बात करनी है। कर दीजिए ना सिस्टर, हमें दो मिनट के लिए अंदर जाना है। मंत्री जी से मिल सकते हैं? सॉरी, मैं छोटा सा इंटरव्यू लेके बाहर आ जाऊंगा। सॉरी मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। सॉरी, सॉरी।
हेलो बाची, मैं बोल रही हूँ। मैंने अभी अभी यहाँ कोटेश्वर को देखा। कहाँ? यहाँ सिटी हॉस्पिटल में, वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने आया है। क्या उसने तुम्हें देखा? नहीं देखा। तुम वहीं रुको, किसी को ये बात बताना मत और उस पर नजर रखना। हॉस्पिटल का नंबर क्या है? ड्यूटी पर जो डॉक्टर हो उसे बुलाओ। सिस्टर अब लाइट। हेलो। हेलो डॉक्टर, जस्ट लिसन, आई एम पाची स्पेशल ब्रांच। इस वक्त 12:15 बजे, ठीक 12 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सर्जरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह डिले करो, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके अपने पास्ट को भूलने के लिए एक बार फिर से अपना चेहरा देख लीजिए। मैं प्रेजेंट में जीने वालों में से हूं। डोंट वांट टू लिसन द पास्ट। मेरे लिए एक एक पल कीमती है। ऑपरेट करो। ये क्या है? एनेस्थीसिया। नहीं चाहिए। आपके चेहरे को पील करना होगा। इसी तरह से पील करो, कोई बात नहीं। पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कट इट डॉक्टर, डू इट फास्ट। ओके ओके। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? ऊपर है। तुम इसे संभालो। डॉक्टर, 12 बजने में कितना वक्त बाकी है? ऑलरेडी हो गया है। डर गया क्या? जीना चाहता है ना? देख, मुझे गुस्सा बहुत आता है जब तुझे देखता हूं तो हंस के आगे बढ़ जाता हूं।
तूने डॉक्टर पे भी हमला किया, क्या पाप किया था उसने जो तूने उसे मारा? किस लिए? फरार होने के लिए? गलत। लॉटरी के टिकट का नाटक करके लाखों की ठगी की। संसार में धोखे की भी हद होती है। जानता है तेरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? जिसके साथ तूने प्यार किया उसका विश्वास जीतकर उसे बर्बाद करके दुबई में जाके बस गया। पार्वती, याद है ना, वो तेरे बच्चे की मां बनी। उसने बच्चे को मेरे हवाले करके सारी कहानी मुझे बताई। जानता है अभी भी कौन है? पार्वती का बेटा है। तूने इस बच्चे को मारना चाहा, तुझसे बेहद प्यार करने वाली बीवी को धोखे से मारने की कोशिश की। तुझसे बड़ा हैवान कोई नहीं। भगवान भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान ने तुझे इस कब्र में लाके पटका है। ये बगल वाली कब्र जानता है किसकी है? पार्वती की, तुम्हारी बीवी की है। अरे क्या सोच रहा है तू? किस्मत ने तुझे प्रायश्चित करने का मौका दिया। क्या तू जानता है मुझे अपना डैडी समझकर वो मुझसे कितना प्यार करता है? सुन भाई, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझ जैसा हैवान इसके बाप है, इसे कभी मत बताना, प्लीज। ये जिंदगी तेरे नाम बेटे है। इस बच्चे का दिल मत तोड़ो प्लीज, एक गोली उतार दो। अरे 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 पता है हलवा वाली लौकी कितनी बड़ी होती है? पता नहीं। इतनी बड़ी। थैंक यू भाई।